सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमर शहीद राणा बेनी माधव राव रामबख्श सिंह को उनकी 218वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीद चौक पर भी जाकर शहीदों को नमन किया। लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है, बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो, ट्रेनिंग की क्षमता को दुगनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। FSL की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई, जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर SSF का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हरेक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस स्पीड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा, और मैं तो इस बात को मानता हूं कि